शकुंतलम ने 14 अप्रैल को शुरुआत की। सामंथा की शकुंतला और आश्चर्यजनक दृश्यों ने दर्शकों को मोहित कर लिया। फिल्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला का अनुसरण करती है, जिसे देवमोहन के राजा दुष्यंत से प्यार हो जाता है। गुणशेखर की फिल्म धीरे धीरे शुरू हुई। शकुंतलम का स्वागत किया गया। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट किया, शकुंतलम की पूरी कास्ट वास्तव में पौराणिक कहानी की दुनिया लाती है और विशेष रूप से प्रमुख सामथारूथ प्रभु क्या प्रदर्शन। उन्होंने पहली बार हिंदी में डबिंग की, जिससे हिंदी बाजार में उनका वर्चस्व कायम हुआ। अच्छा काम। फिल्म ने 14 अप्रैल के अमेरिकी प्रीमियर के बाद से ध्यान आकर्षित किया है, जब इसने $150,000 की कमाई की। भारतीय सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। फिल्म ने 15 अप्रैल को भारत में 3 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई की। 3 करोड़ भारतीय शुद्ध घोषित किया शकुंतलम के लिए सभी भाषाओं के लिए पहले दिन। तेलुगु ने 2.43 करोड़, हिंदी ने 0.4 करोड़, तमिल ने 0.15 करोड़ और मलयालम ने 0.02 करोड़ कमाए। राधाकृष्ण एंटरटेनमेंट्स ने शनिवार को फिल्म अपडेट ट्वीट किया।